हेलो फ्रेंड्स, सीएसएस सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डीआईबी टैग को किस तरह से यूज किया जाता है ये जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड, यदि आपने सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको आने वाले जो वीडियोस हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। फ्रेंड देखिए, डीआईबी टैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है। इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम डिविजन टैग के नाम से भी जानते हैं। देखिए सेक्शन क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि डीआईबी टैग किस तरह से काम करता है। देखिए फ्रेंड, इस एग्जाम्पल में आप तीन अलग अलग सेक्शन देख रहे हैं। एक सेक्शन में लिखा हुआ है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी आई बी टैग फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहां पर तीन अलग अलग सेक्शन हैं। एक सेक्शन में ब्लू कलर है, एक सेक्शन में बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है और एक सेक्शन में बैकग्राउंड में रेड कलर है। और तीनों सेक्शन की साइज अलग अलग है। तीनों सेक्शन पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उनकी साइजेस अलग अलग है। तो यदि आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वर्क करना चाहते हैं, देखिए इस सेक्शन में आप टोटली एक जैसा डिफरेंट वर्क करना चाहते हैं और इस सेक्शन में आप क्या करना चाहते हैं, डिफरेंट वर्क करना चाहते हैं और इस सेक्शन में आप एक डिफरेंट वर्क करना चाहते हैं, तो डीआईबी टैग की हेल्प से आप अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और उन सेक्शंस पे अलग अलग सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम सोर्स कोड देखते हैं कि इसको किस तरह से डीआईबी टैग से बनाया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इसे कंपेयर करके दिखा देता हूं। इसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले क्लासेस के अंदर सीएसएस स्टाइल को डिक्लेयर कर लिया। और यदि फ्रेंड आपने इस सीरीज का जो क्लास एंड आईडी वाला वीडियो है उसे देखा है तो आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने क्या करा है, अलग अलग क्लासेस को क्रिएट कर लिया है। एक क्लास का नाम मैंने रखा है टॉप, जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लू लिया हुआ है और जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट लिया हुआ है और जो फॉन्ट की साइज है वो 40 पिक्सल ली हुई है। ऐसे ही मैंने एक क्लास और बनाई हुई है मिडिल नाम की, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है और जो टेक्स्ट है उसका जो कलर आएगा वो होगा व्हाइट और फॉन्ट की जो साइज होगी वो होगी 30 पिक्सल। ऐसे ही मैंने एक क्लास और बनाई है बॉटम, उसका नाम रखा हुआ है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होगा रेड, टेक्स्ट का कलर होगा व्हाइट और फॉन्ट की जो साइज होगी वो होगी 20 पिक्सल। इस तरह से मैंने तीन क्लासेस क्रिएट कर ली है। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को .css से मैंने सेव कर दिया। देखिए मैं आपको फोल्डर में इसका लोकेशन दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहां पर इसको माई स्टाइल के नाम से इसकी एक css फाइल बनाकर इसे सेव कर दिया है। mystyle.css के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है। साथ ही अब मैं एक html की फाइल क्रिएट करूंगा और उसके साथ इस css की फाइल को लिंक करूंगा। देखिए फ्रेंड, अब यहां पर हमने क्या करा, एक html की फाइल क्रिएट करी और इसमें लिंक टैग का यूज करते हुए हमारी जो सीएसएस की फाइल है उसे लिंक कर दिया है। ये एग्जांपल भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि इस तरह से कैसे लिंक किया जाता है सीएसएस फाइल को। अब जो मेन है वो हमें समझना है डीआईबी टैग। देखिए मैंने क्या करा, डीआईबी टैग को स्टार्ट किया। डीआईबी टैग को आप जस्ट नॉर्मल जैसे आप टैग को स्टार्ट करते हैं लेस देन ग्रेटर देन के अंदर वैसे आपने टैग को लिखा, लेकिन उसके अंदर मैंने क्लास को कॉल किया और क्लास कौन सी कॉल करी, टॉप। तो टॉप वाली क्लास के अंदर आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर कैसा सेट किया हुआ है, ब्लू, और जो टेक्स्ट का कलर है वो है व्हाइट और जो फॉन्ट की साइज है वो 40 पिक्सल। तो मैंने किसके अंदर से कॉल कर लिया, सबसे पहले वाले डीआईबी के अंदर। अब इस डीआईबी के अंदर मैं जो भी लिखूंगा उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, बैकग्राउंड में तो वो कलर कैसा आएगा, ब्लू, और जो उसका टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा व्हाइट। तो इस तरह से एक डीआईबी टैग लगाकर मैंने एक सेक्शन बना लिया। आप आउटपुट में देखिएगा, इसको एक सेक्शन तैयार हो गया है ऊपर और इसमें मैं सीएसएस की जो अलग अलग स्टाइल्स हैं वो इस सेक्शन में कॉल करवा सकता हूं। यानी अब मैं इस डीआईबी टैग के अंदर जो भी लिखूंगा वो इस क्लासेस के अंदर जो भी स्टाइल तय करके रखी होगी मैंने वो इस डीआईबी टैग के अंदर जो भी लिखा होगा उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस टॉप वाली क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड का कलर ब्लू आएगा, टेक्स्ट का कलर व्हाइट होगा और 40 पिक्सल उसकी फॉन्ट की साइज होगी, तो इस वाली डीआईबी पर वो अप्लाई हो जाएगा। यानी हमने एक सेक्शन यहां पर क्रिएट कर दिया। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने दोबारा से डीआईबी टैग स्टार्ट करा और इसके अंदर मैंने जो क्लास बनाई हुई थी मिडिल उसे कॉल कर लिया है और यहां पर मिडिल के अंदर आप देखेंगे कि बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है
और टेक्स्ट का कलर तो व्हाइट ही रखा है हमने, लेकिन जो फॉन्ट की साइज है वो 30 पिक्सल कर दी है। यानी अब इस डीआईबी सेक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, जो भी आप यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे, उन पर ऑटोमेटिक ये क्लास अप्लाई हो जाएगी। यानी आपने एक सेक्शन ये क्रिएट कर दिया और इस सेक्शन का आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर ब्लैक आ रहा है और यहाँ पर जो फॉन्ट की साइज है वो इसके मुकाबले थोड़ी कम है, क्योंकि हमने वहां पर 30 पिक्सल यूज किया हुआ है। नेक्स्ट हमने फिर से डीआईबी टैग स्टार्ट करा और इसके अंदर जो हमने क्लास कॉल करी है वो है बॉटम। अब इस बॉटम के अंदर आप सीएसएस फाइल के अंदर देखें, बॉटम के अंदर रेड कलर था बैकग्राउंड का और जो टेक्स्ट का कलर था वो तो हमने व्हाइट ही रखा है, लेकिन फॉन्ट की जो साइज है वो हमने 20 पिक्सल कर दी है। अब इस डीआईबी के अंदर जो भी हम लिखेंगे पैराग्राफ या हेडिंग, उस पर ऑटोमेटिक ये वाली क्लास के अंदर जो हमने स्टाइल तय करके रखी हुई है वो ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप डीआईबी टैग का यूज करते हुए एक साथ कई सारे सीएसएस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, एक बार क्लास बना लीजिए, उस क्लास के अंदर आप बंच ऑफ सीएसएस की सेटिंग को डिक्लेयर कर दीजिए और आप जिस भी डीआईबी टैग के अंदर उस क्लास को कॉल करेंगे उस क्लास के अंदर जो भी सीएसएस होगा वो सब डीआईबी के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो डीआईबी टैग आपको क्या फैसिलिटी दे रहा है, क्या समझ में आया आपको यहाँ पर? ये आपको फैसिलिटी दे रहा है अलग अलग सेक्शन को क्रिएट करने की। आप एक सेक्शन के अंदर कई सारी सीएसएस की स्टाइल को लगा सकते हैं, आप अलग अलग सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप किसी टेम्पलेट को नेट से डाउनलोड करते हैं और उसका सोर्स कोड देखते हैं तो आपको उसके अंदर केवल डीआईबी टैग ही डीआईबी टैग नजर आएगा। सभी कुछ डीआईबी टैग के अंदर कॉल करा होगा, सारी क्लासेस को डीआईबी टैग के अंदर ही कॉल करके रखा होगा, क्योंकि डीआईबी टैग से ही अलग अलग सेक्शन क्रिएट किया जा सकता है और उस सेक्शन में अलग अलग आप क्या कर सकते हो, स्टाइल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। सो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।